हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है सीरीज 7 वॉच वर्सेस सीरीज 8 की, जो एप्पल वॉच आ रखी है उसमें क्या है कि अभी लोगों को ये सस्ते रेट पे भी मिल रही है, आपको ये नियर बाय शॉप में भी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो आजकल अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो ऑफर चलते रहते हैं उसमें भी आपको काफी अच्छे रेट पे अप्रोक्सीमेटली 35,000 तक भी आपको ये मिल सकती है विद सेलुलर। तो इसमें क्या क्या फीचर है, आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, सीरीज 7 करनी चाहिए या सीरीज 8 करनी चाहिए, तो चलिए बिना किसी वेट के स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको सीरीज 7 मिल जाती है जो कि मैं यूज कर रहा हूं, और ये अपनी सीरीज 8, ये दोनों मैंने 41mm में ले रखी है मैं आपको दिखाने के लिए कि इसमें क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। अगर 41 एंड 45 का करता तो आपको थोड़ा बहुत लगता कि स्क्रीन में या कुछ डिफरेंस है या कुछ नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सीरीज 7 और सीरीज 8 डिटो सेम है, जो डिजाइन है वो डायरेक्ट जो अपनी 8 है सीरीज 7 से बिल्कुल मिलता है। तो IPS6 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है आपको, जिसका मतलब 15 मीटर तक आप वाटर तक की डेप्थ में जा सकते हैं। उसके अलावा जो सीरीज 7 में ब्लू और ग्रीन कलर आते थे वो आपको सीरीज 8 में नहीं मिलते हैं। स्क्रैच रेजिस्टेंस आपका सेम है बिल्कुल, और स्क्रैच होता भी नहीं है इसको, मैं भी चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से और कोई स्क्रैच इसमें इतना आता नहीं है। डिस्प्ले आपको 1.9 इंच की मिल जाती है, OLED डिस्प्ले 1000 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों में मिल जाता है। उसके साथ ही साथ सीरीज 8 में जो आपकी वर्कआउट ऐप है थोड़ी इनहेंस मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें फॉल डिटेक्शन और क्रैश डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है बिकॉज ऑफ इस S8 चिप जो आपको S7 मिलती है सीरीज 7 में। ज़्यादा कुछ उसमें उसके अलावा फर्क है नहीं। सीरीज 7 से सीरीज 8 में सबसे बेस्ट फीचर सिर्फ एक ही है, जो है टेम्परेचर सेंसर का। जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ट्रैक कर लेता है, जिससे आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मतलब जो पीरियड्स होते हैं वुमेंस को, वो उसको ट्रैकिंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। तो बेस्ट बस सीरीज 8 में आपको अगर लेना है तो यही एक एडवांस फीचर आपको मिलता है, और वो क्रैश डिटेक्शन का। उसके अलावा आपकी जो सीरीज 7 है डिट्टो सेम है सीरीज 8, ये सीरीज 7 है जो कि मैं अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये सीरीज 8 है डिट्टो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल हम बात करें तो आप सीरीज 7 ले सकते हैं, आपको सीरीज 8 में एक्स्ट्रा 5,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप गर्ल हैं, कोई वुमन है, तो आप सीरीज 8 पे जा सकते हैं, क्योंकि जो इसमें साइकिल है जैसे कि पीरियड साइकिल का काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाता है, और जो आपका डिस्टेंस होता है वो भी काफी अच्छे तरीके से ये पता लगाता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप कितना कितना आपका स्टेप आ रहे हैं वो पूरा एग्जैक्ट बताता है। ये दो मेजर डिफरेंस है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।